नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी के संबंध में रणनीति बताने आई हूं कि किस प्रकार सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरिएट लखनऊ चैनल पर आप सभी को गाइडेंस क्लासेस प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि आप सभी द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि मैम क्लासेस आरंभ कर दीजिए, मैम हिंदी की तैयारी कैसे करें, मैम इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। तो उसके क्रम में साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आपकी तैयारी अर्थात आपकी तैयारी को मैं किस प्रकार से गाइडेंस देने वाली हूँ, उसकी सूचना इस वीडियोस क्लासेस के माध्यम से आप सभी के बीच में उपलब्ध करा रही हूँ। सर्वप्रथम साथियों, तैयारी आपकी तब सही दिशा में आगे बढ़ती है जब आप अपनी परीक्षा से संबंधित अध्ययन सामग्री, सिलेबस आदि को जानते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम 2020 की तैयारी आप कैसे करें और उसके लिए कौन सी रणनीति बनाए, इसलिए मैं सर्वप्रथम आप सभी के बीच गाइडेंस क्लासेस को लाऊंगी। जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम मेरे द्वारा आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए गाइडेंस क्लासेस को लाए जाने हैं। और इस क्रम में साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को भी तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराने वाली हूँ, जिसका अध्ययन करना आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि लगातार मेरे द्वारा आप सभी के बीच गाइडेंस क्लासेस लाए जा रहे हैं, और खास बात है कि यदि आप हर एक गाइडेंस क्लासेस जो कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 से रिलेटेड है उसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि साथियों आप निश्चित रूप से अपने रैंक में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथियों, जब तक सही राह नहीं होता है तब तक सफलता का मार्ग सुनिश्चित नहीं होता है। अतः सबसे पहले मैं गाइडेंस क्लासेस में आप सभी के बीच प्रैक्टिस कैसे करें, किन किन पुस्तकों का अध्ययन करें, किन किन पुस्तकों को कैसे आपको अध्ययन करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, किस टॉपिक को किन किन स्रोतों से पढ़ना है और प्रैक्टिस कैसे करना, इन तमाम क्लासेस को गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से लाऊंगी। और साथ में साथियों, शीघ्र अति शीघ्र मेरे द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए निबंध के क्लासेस, लेटर राइटिंग के क्लासेस के साथ साथ हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस को भी लाए जाने हैं। आप अवश्य ही उस क्लास को अटेंड करिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को निःशुल्क प्राप्त होगा। आप अवश्य ही इसलिए करिएगा क्योंकि आप अपनी तैयारी अभी से आरंभ कर दें मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि साथियों यदि आप हर वीकेंड पर एक निबंध लिखने के कला को डेवलप कर लेते हैं साथियों, तो एक साल में आप 52 ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस प्रकार साथियों, आप अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और सफलता में निबंध और सामान्य हिंदी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। जिस युवा ने निबंध सामान्य हिंदी पर विशेष फोकस किए हैं वह अवश्य ही सफल हुए हैं, और जो भी सामान्य हिंदी निबंध को लाइटली लिए हैं यह सोचकर कि यह बहुत ही छोटा विषय है, इसकी तैयारी हम परीक्षा के दौरान कर लेंगे, तो साथियों वह कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा कम प्रदर्शन किए। इसलिए आप सभी को यह कहना है, अर्थात वे तमाम युवाओं को जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 देने की तैयारी कर रहे हैं, वह अभी से निबंध की तैयारी आरंभ कर दे, प्रत्येक वीकेंड पर एक निबंध जरूर लिखे, लेटर राइटिंग से संबंधित जो क्लासेस मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं उसका भी नियमित रूप से अवश्य अध्ययन करें। साथियों, शीघ्र अति शीघ्र मेरे द्वारा आप सभी के बीच
भारतीय इतिहास से संबंधित क्लासेस को भी लाए जाने हैं, जो कि न सिर्फ आप सभी के लिए उपयोगी है बल्कि जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016, उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आप अवश्य ही भारतीय इतिहास से संबंधित क्लासेस को करिएगा। साथियों, इस दौरान 10 से 15 दिन के दौरान मेरे द्वारा आप सभी को वे तमाम पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जानी है जिससे आपको अध्ययन करना है। उसके बाद मेरे द्वारा आप सभी को प्रैक्टिस कराना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस लेने हैं। उसके बाद आप सभी को वे टोटल टॉपिक पर डिस्कस करने हैं जिन टॉपिक को आपको प्रत्येक दशा में पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ ही साथियों, ज्योग्राफी के जो मानचित्र का जो अध्ययन है वह भी करवाना है। बस साथियों, थोड़े से समय के अभाव में नियमित रूप से मेरे द्वारा क्लासेस स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है आप सभी के लिए मैं अवश्य ही क्लासेस लाती हूँ। तो साथियों, आप अवश्य ही अपनी तैयारी, अपनी सफलता की रणनीति, अपने परिश्रम को सही दिशा में ले जाने के लिए अभी से अपनी तैयारी को आरंभ करिए। मैं आप सभी की तैयारी में सदैव आपके साथ रहूंगी। नमस्कार।